सब्सक्राइबर कहते हैं कि आपकी हैंडल व्हील जैम हो गई, कहीं हमारी मशीन का बेल्ट खराब तो नहीं हो गया। तो सबसे बेस्ट तरीका, आपने मशीन को ओपन कर लेना है, बैक वाले हिस्से को आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने अपनी मशीन का बेल्ट को गौर से देखना है कि आपकी मशीन के बेल्ट में कहीं क्रैक्स तो नहीं है। अगर ये सर्फेस बिल्कुल स्मूथ है, इट्स मीन आपकी मशीन बिल्कुल ओके है, इसमें बेल्ट चेंज होने वाला नहीं है। अक्सर कहते हैं कि बेल्ट कौन सा लें, आप देखें बेल्ट का नंबर, ब्रांड सब कुछ मेंशन होता है, कौन से नंबर का बेल्ट आना है वो आप इजी लगा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब आप इसमें धागा भरते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा धागे इकट्ठे हो जाते हैं, आपने चेक करना है धागे इकट्ठे तो नहीं हुए। अगर वो भी सब कुछ ठीक है तो आपने अपना बाबन अपार्टमेंट को सही से एडजस्ट कर लेना है। और ऑयलिंग की वीडियो है पड़ी, वो देख लीजिएगा, ऑयलिंग कर लीजिएगा, आपकी मशीन का हैंडल व्हील जो जैम हो रहा है वो बिल्कुल ओके होगा। अक्सर जो प्रॉब्लम आई होती है, यहाँ पे थ्रेड्स काफी ज्यादा फंसे होते हैं, उनको निकालने से, ऑयलिंग करने से आपकी मशीन की वर्किंग अच्छी हो जाती है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो कितनी अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा।